हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाड़मेर विधायक ने किया जिला अस्पताल का दौरा, सफाई व्यवस्था को देखा, मरीजों से भी मिले। पिछले करीब एक महीने से ज्यादा समय से विधानसभा स्तर की व्यवस्था के चलते जयपुर रहने के बाद बाड़मेर पहुंचे विधायक मेवाराम जीत ने राजकीय चिकित्सालय बाड़मेर का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। साथ ही गायनिक वार्ड सहित अन्य वार्डों में सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। विधायक मेवाराम जैन ने गायनिक वार्ड की सफाई व्यवस्था में और सुधार करने की जरूरत बताते हुए कहा कि सफाई में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। जो भी जिम्मेदार सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरते उसके खिलाफ कार्रवाई अमल की जाए। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने साउथ वेस्ट द्वारा लगाई जा रही लॉन्ड्री मशीन का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में मरीजों को निःशुल्क उपचार मिले, साफ सफाई पेयजल की व्यवस्था ठीक रहे, इस हेतु हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। इस दौरान प्राचार्य मेडिकल कॉलेज PMO के साथ बैठक कर कोविड को लेकर सरकारी गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने हेतु निर्देशित किया गया। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए मेवाराम जैन विधायक बाड़मेर इन्होंने ये कहा, अस्पताल का निरीक्षण किया, गायनिक वार्ड उसमें भी देखा, डॉक्टरों से बात की, मरीजों से बात की, उनको समय पर दवाई है, खाना है, व्यवस्था है, सारी की चर्चा भी हुई। और मेन जो सफाई व्यवस्था है, टॉयलेट है, उनको देखा तो जो सफाई के बारे में मैं संतुष्ट नहीं था। मैंने अभी हमारे प्रिंसिपल साहब और PMO साहब इनसे भी बात की, सभी अभी मेरे सफाई कर्मचारी जितने भी उनको आज जो एजेंसी है केंद्र द्वारा जो लेबर उपलब्ध कराई गई है वो उनको भी मैं देख अभी नीचे बुलाया, उनको बात करूँगा कि इतने 60 लेबर लगने के बाद भी ये जो व्यवस्था सही नहीं है उसको हम ठीक करें, बहुत जरूरी है सफाई व्यवस्था ठीक करनी। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।